नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। कल एक तरफ पूरी दुनिया के बाजार टूट रहे थे तो कुछ स्टॉक्स तूफानी रफ्तार से भी भाग रहे थे भारतीय बाजार में, जिसमें से एक नाम था Zomato का। और ये आई थिंक मैक्सिमम इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो में है स्टॉक, सबका पैसा बन रहा है, बहुत अच्छा बन रहा है, लेकिन कुछ इन्वेस्टर्स अभी भी बस यही सोच रहे हैं क्या मुझे खरीद लेना चाहिए। इस स्टॉक को लेकर हमने काफी वीडियोस बनाई हैं। अराउंड 63 रुपीज से मैं इस पे बुलिश हूं। 63 से हमारे 95 के टारगेट्स थे, उसके बाद 120 से 144 के टारगेट्स हुए और उसके बाद हमने बेचने के लिए बोला ही नहीं कभी। अभी रिसेंटली ये 200 रुपए पे आने के बाद 170 रुपए तक आया था, 160-170 तक, जहां मैंने कहा था बिना पूछे बिना सोचे आप 160 के जितने नजदीक मिले खरीद लेना, लेके बैठ जाओ। कंपनी बहुत स्ट्रांग दिख रही है, ब्लिंकिट पे हैवी ग्रोथ की तैयारी में है। नए स्टोर्स एडिशंस के बारे में कंपनी ने अपने लास्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में बताया था और मुनाफे में तो आप सभी ने देख ही लिया था कंपनी को। अब इस बार जैसे ही रिजल्ट्स आए, अगले दिन शेयर का प्राइस ऑलमोस्ट दिन के दौरान 19% तक भागा। हालांकि जब क्लोजिंग आई तो थोड़ा सा नीचे आ गया, अराउंड 12% बढ़कर बंद हुआ है 262 रुपीज के लेवल्स पे, लेकिन स्टॉक ने हाई 278.7 का लगा दिया है। अब इस बीच में भी बहुत से ऐसे इन्वेस्टर्स होंगे, किसी ने 270 पे लिया होगा, 75 पे लिया होगा, किसी ने तो 78 पे भी लिया होगा, समझ रहे हो। अब वो यही सोच रहे होंगे यार मेरे खरीदते ही गिर गया, मुझे क्या करना चाहिए। कुछ नहीं करना चाहिए, एक दिन के लिए नहीं लिया है, लंबे समय के लिए लिया है। आपका पैसा कम बनेगा लेकिन बन जाएगा, आपने रिस्क ज्यादा उठाई है एक्चुअली में देखा जाए तो। जिसने भी 200 रुपए 160 रुपए पे लिया है वो बहुत अच्छे प्रॉफिट में बैठा है, और ऐसा नहीं उसे एक साल वेट करना पड़ा, मात्र 3 महीने में आपने ये सारी जर्नी देख ली है। अब कल क्यों भागा है वो मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली में जो नतीजे आए वो एनालिस्ट को काफी पसंद आ रहे हैं। मोटा मोटी लेवल पे जो आपका Zomato है, इस पे 28 एनालिस्ट की रिपोर्ट है, जिसमें से अराउंड 25 एनालिस्ट बाय कॉल रेटिंग दे रहे हैं और 3 सेलिंग की रेटिंग भी दे रहे हैं बिकॉज ऑफ वैल्यूएशंस। आगे मैं आप सभी के साथ बात करूं तो यहां पे 350 रुपए तक के लक्ष्य आते हुए दिखे हैं CLSA की तरफ से, जिसे आप अच्छे से जानते हो। ब्रोकरेज फर्म CLSA हैज मेंटेन्ड इट्स बाय रिकमेंडेशन ऑन Zomato एंड रेज इट्स टारगेट प्राइस टू ₹350 फ्रॉम 248 अर्लियर। This is the highest price target for the stock on the street after it reported its June quarterly results. Simple language में बोला जाए तो जो ये 28 brokerages हैं जिनकी report है Zomato पे, 25 buy call हैं और उन 25 में से सबसे बड़ा target CLSA का है जो 350 rupees की बात कर रहे हैं। और पहले भी इनकी buy call ही थी 248 के targets के लिए, जब इन्होंने कल परसों नंबर्स देखे जून क्वार्टर के, उसके बाद इन्होंने अपग्रेड कर दिया टारगेट को और 350 रुपए के लक्ष्य रखे, जो कि सबसे बड़े टारगेट्स हैं Zomato पे। CLSA हैज आल्सो रेज्ड इट्स अर्निंग एस्टिमेट बाय 6% टू 36% फॉर Zomato बिटवीन फाइनेंशियल ईयर FY 2025 to 2027, सेइंग दैट ब्लिंकिट सॉ इंप्रूव्ड परफॉर्मेंस डिस्पाइट अ शार्प एसलेरेशन इन डार्क स्टोर्स, ठीक है, अलॉन्ग विद CLSA, मोतीलाल ओसवाल इज द अदर ब्रोकरेज विच हैज अ प्राइस टारगेट ऑफ ₹300 नाउ फॉर Zomato। इट रोट इन इट्स नोट दैट ब्लिंकिट इज ऑफरिंग अ जनरेशनल अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन द डिसरप्शन ऑफ इंडस्ट्री सच एज रिटेल, ग्रॉसरी एंड ई कॉमर्स। तो सिंपल सी लैंग्वेज में मैक्सिमम ब्रोकरेज हाउसेस के टारगेट 300 रुपए के करीब के हैं, वहीं CLSA के 350 के हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या यहां से भी लिया जा सकता है। देखो, इसके बारे में यही बोलूंगा कि यहां से भी लिया जा सकता है, ये कोई क्वेश्चन है नहीं एक्चुअली में, ये सही सवाल नहीं है। सिर्फ आपको ये सोचना है लेना है मुझे, लंबी अवधि के लिए लेना है और जितना नीचे मिले उतना अच्छा है मेरे लिए। अब स्टॉक 262 पे है, 278 का हाई लगाया, कल 300 रुपए हो जाए इनकेस मंडे तो भी यही सवाल बनेगा क्या लेना है। तो फिर अब आपको ये भी चेक करना पड़ेगा जो अर्निंग्स हैं वो ऑलरेडी 4 times के मल्टीपल पे ट्रेड कर रही है, यानी ऐसी अर्निंग 4 quarters और आएंगी उतना महंगा भी हो चुका है स्टॉक। तो गिरावट किसी भी क्वार्टर में आ सकती है, एक क्वार्टर भी अगर स्लो ग्रोथ आ गई तो शेयर टूटेगा, वहां आप ले लीजिएगा। लाइफ लॉन्ग ऐसे ग्रोथ नहीं रहती है, बीच बीच में डिप्स आती है। अमेजोन का शेयर कल 10% टूट गया, उन्हें ग्रोथ थोड़ी स्लो दिख रही है।
तो सिंपल है, एक से एक बड़ी दिग्गज कंपनी की ग्रोथ हमेशा कंटिन्यू ऊपर ही नहीं जाती, यही तो बिजनेस है। बिजनेस में ऊपर नीचे होता है, सैलरी में एग्जैक्टली ऐसे जाता है। तो आप कम ग्रोथ करते हो लेकिन ऐसे ऐसे करते हो ज्यादा ग्रोथ करते हो। सेम शेयर का प्राइस है, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, नीचे आपने अपना भरोसा दिखा दिया तो पैसा बना लोगे, और वहीं भरोसा तोड़ दिया तो फिर पैसा गवा दोगे। तो ये मेरे हिसाब से मेरा पर्सनल ओपिनियन रहेगा आपके लिए। अभी करंटली 385 के पीई पे स्टॉक दिखता है, तो महंगा जरूर है, नंबर्स जरूर अच्छे आ रहे हैं लेकिन महंगा भी होता जा रहा है, क्योंकि जैसे ही नंबर आते हैं शेयर ऊपर चला जाता है। तो अब जितनी अर्निंग सभी कंपनी की हो रही है, मेरे को लगता है 200 रुपए एक परफेक्ट प्राइस होना चाहिए, जहां पे एक्यूमुलेट और बाइंग के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। और स्टॉक डेफिनेटली मिलेगा अभी वहां पे, आज नहीं मिल रहा कभी मिलेगा, तब आप अपॉर्चुनिटी ढूंढिएगा खरीदने की। बाकी इन्वेस्टर्स से यही कहूंगा, बैठे रहो बने रहो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, आराम से 400 रुपए दिखेगा आपको, लेकिन उसके लिए 2 साल वेट करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।